तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। जैसा कि मैं झारखंड के जितने भी होमगार्ड वैकेंसी आए हैं उन सभी का डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट देता आया हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गढ़वा जिला होमगार्ड वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, गढ़वा जिला ने होमगार्ड की वैकेंसी के लिए 1501 पदों पर अपडेट दे दिया है। जी हाँ, 1501 पदों पर भर्ती होनी है। आइए जानते हैं गढ़वा जिला के बारे में सब कुछ डिटेल में, कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा और क्या हाइट वगैरह रहेगी। तो जैसे कि सभी होमगार्ड में बोला गया है कि यह एक स्वयंसेवी संस्था है, यहाँ पे आपको जो है नौकरी का कोई परमानेंट जॉब की तरह नहीं दिया जा रहा है। यह आप एक देशभक्त टाइप से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस प्रखंड में कितनी वैकेंसी है। आप जिस प्रखंड के जन्मजात हैं, ठीक है, रहने वाले हैं, अस्थायी निवासी हैं, आप वहीं से अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, गढ़वा में टोटल पुरुष के लिए 30 है, महिला के लिए 29 है। फिर मेराल में आपके 31 है पुरुष के लिए, महिला के लिए 32 है। फिर है रमुना, इसमें जो है रमुना प्रखंड में आपके 36 को पुरुष है, 35 को महिला है। नगर में आपके 26 को पुरुष है, महिला है 25 को, इतने का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। फिर है सगमा, यहाँ पे 40 को पुरुष चाहिए और महिला चाहिए 41 को होमगार्ड। फिर है धुरकी, धुरकी में 41 को पुरुष होमगार्ड चाहिए, महिला होमगार्ड चाहिए 40 को। अगला है भावनाथपुर, इसमें जो है 42 को चाहिए पुरुष और महिला भी 42 को। इसी तरह से है खरौंदी, यहाँ पे 24 पुरुष होमगार्ड चाहिए और महिला होमगार्ड 23 चाहिए। अगला है मझीआव, यहाँ पे जो है 29 पुरुष होमगार्ड चाहिए और महिला 30 होमगार्ड चाहिए। अगला है कांडी, यहाँ पे 35 पुरुष होमगार्ड चाहिए और 34 महिला होमगार्ड चाहिए। उसी तरह से आगे है, टोटल इसमें 20 प्रखंड है गढ़वा जिला में, ठीक है। तो कांडी के बाद आता है आपका बरडीहा, यहाँ पे 53, सबसे ज़्यादा हमको लगता है यहीं पे सीट है 53 को, ठीक है। 53 को यहाँ पे पुरुष होमगार्ड चाहिए, महिला होमगार्ड चाहिए 54 को। फिर देखते हैं तो रंका में 33 को पुरुष होमगार्ड चाहिए और महिला होमगार्ड चाहिए 33 को। फिर है भंडरिया, यहाँ पे 34 को पुरुष होमगार्ड चाहिए, महिला होमगार्ड चाहिए आपके 33 को। अगला है रामकंडा, यहाँ पे 27 को पुरुष होमगार्ड चाहिए, महिला होमगार्ड भी 27 चाहिए। अगला है चिनिया, यहाँ पे 20 होमगार्ड चाहिए और महिला 21 को। अपने प्रखंड का नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला है बड़गढ़, ठीक है, तो बड़गढ़ में जो है 49 को होमगार्ड चाहिए पुरुष में, महिला में 50 को। फिर है केतार में 49 होमगार्ड चाहिए पुरुष में, महिला में भी 49 चाहिए। फिर है आपका बिसुनपुरा, यहाँ पे जो है 52 को होमगार्ड चाहिए पुरुष में, महिला में भी 52 को। और है आपका डुंडई, यहाँ पे जो है 26 पुरुष होमगार्ड चाहिए, महिला में 27 होमगार्ड चाहिए। अगला है आपका डुंडा, यहाँ पे 51 पुरुष होमगार्ड चाहिए और महिला 51 को, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 20 प्रखंड में 728 पुरुष होमगार्ड की भर्ती होनी है और 728 महिला होमगार्ड की भर्ती है। कुल मिला के 1456 पुरुष और महिला जो कि ग्रामीण लेवल पे होने वाले हैं, ये सभी ग्रामीण के लिए है, ठीक है। ग्रामीण गृह रक्षक, ये हो गया विलेज का। अब हम लोग बात करते हैं शहरी। तो देखिए, शहरी लेवल पे जो है आपका यहाँ पे शहरी गृह रक्षक में कुल 45 वैकेंसी है, जिसमें पुरुष के लिए आपके 22 हैं और महिला के लिए 23 वो वैकेंसी है। अब इन सभी के लिए जो है आपको क्या करना होगा, तो बोला गया है कि जितने भी वैकेंसी हैं, मतलब कि 1501 पद है, वे 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जितने पद 728 को महिला के लिए आरक्षित है और शहरी वाला में 23 को महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद 5% पद ऐसे के लिए जो विधवा हैं या फिर तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि शहरी गृह रक्षकों के लिए 50% तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। यानी कि देखिए, यहाँ पे जो 22 सीटें हैं पुरुष में शहरी में, इसमें भी 11 सीट जो है आपका टेक्निकल कैंडिडेट के लिए होगा, जो कि या तो कोई आईटीआई का डिग्री होगा या फिर कोई टेक्निकल डिग्री होगा, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में हो, पैथोलॉजी में हो, ड्रेसर हो, ठीक है, फार्मेसिस्ट हो, उन सभी के लिए होगा, कारपेंटर हो, डिप्लोमा किया हो, तो उन सभी के लिए होगा शहरी में। आगे देख लेते हैं तो अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए। ग्रामीण लेवल पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बोला गया कि अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के उसी प्रखंड का होना चाहिए जहां से आप, मतलब कि जिस प्रखंड में जन्म लिए हैं उसी प्रखंड से आप अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे प्रखंड से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर बोला गया है कि शहरी में शहरी अभ्यर्थियों को गढ़वा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, अपने दस्तावेज के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकार समक्ष जो है आपके आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र चाहिए, तीनों लगेगा, आवासीय जाति आय, ठीक है। और अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं तो, और नहीं तो आवासीय प्रमाण पत्र तो लगेगा ही लगेगा।
आगे देख लेते हैं। तो उम्र सीमा यहाँ पे जो है 19 साल से लेकर के 40 साल के लोग अप्लाई कर पाएंगे होमगार्ड की भर्ती के लिए। 19 साल से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आपकी उम्र की गणना कब से की जाएगी तो यहाँ पे तो नहीं बताया गया है, मैं फिर भी बता देता हूँ। 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपकी उम्र की गणना, नहीं 1 अगस्त 2022, हाँ 1 अगस्त 2022 के अनुसार आपकी उम्र जो है कम से कम 19 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। नहीं यार दिया है, एक जनवरी 2023 में आप कम से कम 19 साल के हो गए हों और मैक्सिमम 40 साल के हो गए हों, यहाँ पे लिखा है, मैंने नहीं देखा था, सॉरी, ठीक है। तो आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, ये तो हो गई उम्र। शैक्षणिक योग्यता अगर आप ग्रामीण लेवल पे अप्लाई करते हैं तो आपकी 7वीं के सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जहाँ पे आपने मिडिल क्लास पढ़ा है, मिडिल स्कूल, वहाँ पे जाइए, प्रिंसिपल से बात कीजिए, सॉरी हेडमास्टर से बात कीजिएगा और 7वीं का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अगर आप शहरी लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा जो कि सबके पास होता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपका फिजिकली हाइट वगैरह क्या लगने वाला है। तो हाइट और चेस्ट यहाँ पे दो चीज़ लगने वाला है, पुरुष और महिला की लंबाई देख लीजिएगा। तो चाहे आप ग्रामीण लेवल पे अप्लाई करें चाहे आप शहरी लेवल पे अप्लाई करें, सभी में पुरुषों की लंबाई 162 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए। वहीं एसटी और एससी उम्मीदवार जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उनकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर रहेगी एसटी और एससी पुरुष उम्मीदवार के लिए। वहीं पे महिला कैंडिडेट हैं चाहे आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, आपकी हाइट 148 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट केवल पुरुषों का मेजर होता है, फीमेल का मेजर नहीं होगा। इसमें जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी कि 79 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए। वहीं एसटी एससी के लिए आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, ठीक है, 76 सेंटीमीटर। तो ये हो गए शारीरिक मापदंड। अब देख लीजिए तो यहाँ पे टेक्निकल के लिए वही आदमी अप्लाई कर पाएंगे जो मैंने बताया था कि आप तो या फिर टीचर हो या फिर कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट हो या फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट हो आपके पास, ठीक है, या कोई स्पेशल सर्टिफिकेट हो। आगे देखते हैं तो आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे जो है होमगार्ड का सिलेक्शन इस आधार पर किया जाएगा कि पहला होगा आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ धूप होगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका हिंदी का एक लेखन होगा, सुरती लेख टाइप का होगा एग्जाम। तो देखिए शारीरिक जांच में क्या क्या टेस्ट होगा वो चीज़ देख लीजिए। तो आपकी 1600 मीटर की रेस कराई जाएगी, एक मील दौड़, ठीक है, जिसमें इस प्रकार रखा होगा कि अगर आपने एक मील दौड़ को पूरा कर लिया है 5 मिनट या उससे पहले तो आपको 20 अंक मिलेगा, फिर आपका 5 मिनट से 6 मिनट लगता है तो 10 अंक मिलेंगे। उसी तरह से पुरुष के लिए है ये, 6 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, एक मील रेस यानी कि 1600 मीटर की रेस। उसी तरह महिला में 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी, 20 अंक मिलेंगे। 8 से 10 मिनट लगाते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे और 10 मिनट से ज़्यादा लेट करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसी तरह से ऊंची कूद है, लंबी कूद है, इन दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट पुट फेंकना होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपके 4 चीज़ की यहाँ पे फिजिकल की जाएगी। टेक्निकल कैंडिडेट को थोड़ा सा यहाँ पे छूट दिया जाएगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टेक्निकल कैंडिडेट थोड़ा फिजिकली अनफिट होते हैं, ठीक है, कमज़ोर माने जाते हैं फिजिकली। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है भाई, जैसे कि मैं पैथोलॉजी में काम करता हूँ, अब मुझे बोलेगा कि इतना वजन उठाओ यार तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन नहीं, मैं उठा लेता हूँ यार, मैं घर में काम करता हूँ, 40-45 किलो उठा लेता हूँ आराम से, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। अब देखिए हिंदी लेखन क्षमता आपका होगा, जब आप फिजिकल पास कर लेंगे तो आपका हिंदी लेखन क्षमता होगा और ग्रामीण लेवल पे 10th लेवल की आपके एग्जाम आएंगे, ठीक है, और जो शहरी लेवल पे होंगे उनका, सॉरी ग्रामीण लेवल में जो होंगे उनका 7th लेवल का क्वेश्चन आएगा, 7वीं कक्षा के स्तर का क्वेश्चन आएगा, और जब आपका शहरी लेवल का होगा उनके जो है मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो है टोटल 100 मार्क्स होंगे जिसमें कम से कम आपको 30 लाना ही होगा, 30 से कम लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। और ये जो जितने भी टेक्निकल कैंडिडेट हैं, टेक्निकल कैंडिडेट का भी एग्जाम लिया जाएगा अलग से, ठीक है, और इसमें जो है आपको 100 मार्क्स का रहेगा जो आपको क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, इसमें 30 नंबर कम से कम लाना ही होगा, नहीं लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल कैंडिडेट के लिए अलग से एग्जाम होगा। अब देख लीजिए अगर आपके पास जो है नेशनल लेवल का कोई पुरस्कार है, इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, या फिर नेशनल लेवल का, तो यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्र स्तर का है नेशनल लेवल का तो आपको 6 अंक मिलेंगे। अगर आपने सेकंड प्राइज हासिल किया है नेशनल लेवल पे तो 4 अंक मिलेंगे, तृतीय तो आपको 2 अंक मिलेंगे, उसी तरह राज्य में 3 अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे और 1 अंक मिलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को, ठीक है।
उसके बाद अगर आपने मैट्रिक तक पढ़ाई किया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, आपने आप इंटर तक पढ़ाई किया तो 6 अंक मिलेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है तो 8 अंक मिलेंगे, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA/MSc तक पढ़ाई किया है, PG तक पढ़ाई किया है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आपको अप्लाई कैसे करना है तो देख लीजिए, ये डेट सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑनलाइन, और वेबसाइट आपको ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, ये वेबसाइट है, आप यहीं से अप्लाई कर पाएंगे, ये चाहिए दोनों सेम है, यही वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, www कर सकते हैं requirement.jharkhand.gov.in। ठीक है, और मैं इसका जैसे ही खाली हूँगा अप्लाई करके दिखा दूंगा किस टाइप से अप्लाई करना है आपको। साथ ही जो है आप यहाँ पे फॉर्म को 25 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, 25 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक, बहुत कम दिन समय दिया है, मतलब कि 9 और इधर 5, 14 दिन का समय दिया है, 14 दिन के अंदर जो है ये पूरा का पूरा आपको करना है अप्लाई। और पैसा वगैरह यहाँ पे बोला गया है कि 100 रुपये फी लगेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क ऑफलाइन जमा नहीं होगा, केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म ही आपको सबमिट किया जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये होगा, उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक में जाना होगा और आपको फिलअप करना होगा, और इसमें आपके जो जितने भी जेरोक्स हैं, वो जेरोक्स नहीं यार ओरिजिनल, उन सभी का स्कैन करना होगा, यहाँ पे फोटो वगैरह साइन वगैरह, 10th 12th ग्रेजुएशन जितने भी सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट, इन सभी का करना होगा। साथ ही आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड कोई एक होना चाहिए, या फिर वोटर कार्ड, ठीक है। और आपका जो फिजिकल का डेट होगा वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, और जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है, चैनल पे जुड़े रहिए। और बोला गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म अगर आप गलत भरते हैं तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आप भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको सही भरना है और केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। देख लीजिए सभी का साइन है यहाँ पे, और बाकी ये देख फॉर्म में है, इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन नहीं भरना है, यहाँ पे दे दिया है केवल इसी तरह से सब में दिया जाता है जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। आप चाहिए किसी भी साइबर कैफे में, या फिर एक दिन रुक जाइए, एक दिन के अंदर मैं आपको वीडियो दे दूंगा मोबाइल से आके फॉर्म कैसे फिल सकते हैं वो कर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ दोस्त उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, वे भी वेट कर रहे होंगे यार कि कब आएगा वैकेंसी, या हमको बता दीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए मैंने बता दिया, बाकी इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है दोस्त। एंड ऑल द बेस्ट, मेरी ओर से तैयारी कीजिए, लग जाइए, ठीक है।